हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि किसी भी स्क्वायर पार्ट का एरिया कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर इट मींस उसकी जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो हमारे पास साइड की वैल्यू दिया हुआ है और हमको एरिया निकालना है। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर, ये हमारे साइड की वैल्यू है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला की ज़रूरत होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। ये जो हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है साइड का, उसी का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहले क्वेश्चन का साइड है 14, तो 14 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा। 14 और 14 का मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आएगा 196। हमारा यूनिट है सेंटीमीटर, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो हमारा आंसर हो गया 196। सेकंड क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर, हमारे साइड की वैल्यू क्या है 18 सेंटीमीटर। सेम फार्मूला, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब 18 का हम दो बार मल्टीप्लाई करेंगे। 18 ये हो गया हमारा साइड, ये मल्टीप्लाई का साइन, फिर से साइड लिखा है तो साइड की वैल्यू वापस से लिख देंगे 18 मल्टीप्लाई 18। तो 18 और 18 का मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 324। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड जो है पॉइंट में है ये क्वेश्चन, 5.8 सेंटीमीटर। तो सिंपली जैसे नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करते थे, वैसे इस पॉइंट वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा फार्मूला वही है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमारा साइड क्या है 5.8, मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, फिर से साइड दिया है तो साइड का फार्मूला क्या, वैल्यू क्या है 5.8। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, सिंपल वाला ही मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में हमारे पास आ जाएगा 33.64। हमारा आंसर हो जाएगा 33.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6.5 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन भी सेंटीमीटर में ही है। तो हमारा साइड हो गया 6.5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला है साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड का वैल्यू क्या 6.5, एक बार फिर से दिया है तो 6.5। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 6.5 और 6.5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 42.25। ठीक है, 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट हमारा सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा साइड है 4.2 सेंटीमीटर। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड मल्टीप्लाई साइड। तो हमारा साइड की वैल्यू क्या है 4.2 मल्टीप्लाई साइड की वैल्यू फिर से 4.2 को मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलेगा 17.64। हमारा यूनिट सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर हो जाएगा 17.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन, हमारा जो क्वेश्चन है वो है 2.1 मीटर, ये हमारे साइड की वैल्यू हो गई। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड मल्टीप्लाई साइड। हमारा साइड का वैल्यू क्या है 2.1 मल्टीप्लाई 2.1। 2.1 और 2.1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.41। अब हमारा यूनिट यहाँ पे मीटर में दिया है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो भी मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4.41 मीटर स्क्वायर।